नमस्कार और स्वागत है आपका दुबई के आखिरी दिन के व्लॉग में। आज हमारा ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन खाने का मन किया तो अब हम आए हैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। ये है डोसाज एंड इडली है जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। ये रेस्टोरेंट काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, सर्विस बहुत अच्छी है और ये अबू अल बकर अल सदीक रोड पर सिचुएटेड है। तो नाश्ता करके हम निकल चुके हैं आज के दिन गोल्ड सुख मार्केट ऑफ देरा को एक्सप्लोर करने के लिए। सड़क पर ये येलो मार्किंग देख के सैबी ने बताया कि इसकी राइट साइड पे जाना अलाउड नहीं है और अगर कोई अपनी गाड़ी लेके जाता है तो उसे 600 दिरहम का फाइन होता है। द ओनली व्हीकल्स आर अलाउड आर बसेस और अगर आपको अनलोडिंग कुछ करनी है किसी शॉप पे तो आपको दो कैमरे के बीच में एक स्पेस आती है लोडिंग के लिए, वो मार्किंग होती है लोकल्स मेन हो तो वहाँ पर आप अनलोडिंग कर सकते हैं आराम से, उस पर कोई फाइन नहीं होगा। और ये जो अपने सामने देख रहे हैं ये है एक पुलिस बूथ, तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी या कोई थेफ्ट होती है तो ये 5 मिनट्स में वहाँ पहुँच जाते हैं। This is the entry gate of Gold Souk Market in Dubai, where you can find all the gold, I think cheaper, costlier, of every range. दुबई में हम 3-4 दिन से घूम रहे हैं बट हमने गोल्ड मार्केट के बारे में काफ़ी सुना हुआ था तो जो अब हम आँखों के सामने आज हमने देखा तो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा क्योंकि इतना सारा गोल्ड डिस्प्ले पे है और अनलाइक अवर कंट्रीज यहाँ पे चोरी होने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कैमरास हर जगह लग रखे हैं। और इतना सारा गोल्ड और इतनी हैवी क्वांटिटी में फुल बॉडी वेरिएबल गोल्ड और हर तरह का गोल्ड डिस्प्ले पे था हर शॉप पे और मतलब इजीली यू कैन टेक फोटो एंड मेक वीडियो आउट ऑफ इट। इनको चोरी होने की कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि देर आर कैमराज एवरीवेयर इन दुबई, इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दुबई। Suddenly I saw my wife wearing this big necklace. इसको अगर खरीदवाने गया तो मेरे को अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी।
एंड बाय द टाइम वी केम आउट ऑफ द स्टोर इट वॉज ऑलरेडी नाइट, पर रात में भी ये मार्केट इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी बिकॉज ऑफ द लाइटिंग ऑन ईच स्टोर होर्डिंग्स प्लस द गोल्ड ज्वेलरी डिस्प्लेड ऑन एवरी शॉप। और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स एक्सप्लोर करने के बाद हम एक स्टोर पे आए जिसका नाम है लक्की विलेज। द सेल्समैन वॉज फ्रॉम केरला, ही ओन्स द शॉप, और इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स की वैरायटी समझाई, ऊद की वैरायटी समझाई। तो अगर आप में से कोई भी परफ्यूम्स या ऊद लेना चाहता है, दिस इज इन द डेरा सिटी मार्केट एंड द शॉप नेम इज लक्की विलेज। सो फाइनली आफ्टर ऊद शॉपिंग वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड कि वी विल विजिट बुर्ज खलीफा अगेन। ये हमारी सेकेंड विजिट होने वाली है इन 3 days। पहली बार गए थे तो वी वर सो फैसिनेटेड कि हम दोबारा से एक बार फिर जाना चाहते थे। तो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बुर्ज खलीफा। Thank you.
So after visiting Burj Khalifa, we were heading back to the hotel. Then we came across a store on the side of the road. The store name was Toys for Less. तो हमने सोचा जाके explore करते हैं, अगर कोई toys exciting मिलते हैं तो ज्ञान के लिए खरीदेंगे. Someone is coming to Dubai and situated or living in Dera or nearby. I think this is the best hotel in terms of food, Indian food, for sure, and the cheapest also. The name is Yarmouk, Al Yarmouk Restaurant. This is right here is the VAT refund counter on airport. आप जैसे ही departures पे enter होते हैं, ये right side में ही आपको दिख जाएगा store. आपको यहाँ पे अपना bill check करवाना है. So well, this is the VAT refund counter. You can see the line. Almost every person who has done a purchase of over 300 dirham is in the line, ताकि उनका VAT refund हो जाए. Finally, we are in the flight and we are leaving from Dubai. This trip has been amazing and we have loved each and every part of it. Dubai trip as a whole is something that if you'll experience once, you will definitely like to come visit again. Happy note, we are saying bye to Dubai, and as always, it is shining in the night.